मूवीज में ज़ॉम्बीज कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसको वो लोग भी देखना पसंद करते हैं जिन्हें मूवी पसंद ना हो, क्योंकि ऐसी मूवी थ्रिल को बनाए रखती है और हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसी ही टॉप 10 ज़ॉम्बी मूवीज जो आपको स्क्रीन से हटने ना दे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन विद अ शॉर्ट इंट्रो। दसवें नंबर पर आती है 2013 में आने वाली मूवी द रिटर्न, जिसे डायरेक्ट किया है मैनुअल कारबेलो ने। मूवी में एक तरीके का ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है जिस पर रिसर्चर एक ऐसा एंटीडोट बनाते हैं जिससे वायरस कुछ टाइम के लिए स्टेबल रह जाए। ऐसे पर्सन जो इस एंटीडोट को लेता है उन्हें फिल्म में द रिटर्न कहा गया है, लेकिन रिकवर होने पर भी कुछ ग्रुप उन्हें एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं करता। मूवी हमें केट और उसकी बॉयफ्रेंड एलेक्स की स्टोरी दिखाती है, जहाँ केट एक फिजिशियन है जो कि रिटर्न पेशेंट को देखती है और एलेक्स एक रिटर्न पेशेंट हुआ करता था। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट, जो इस मूवी को मस्ट वॉच बना देती है। और इस साईफाई हॉरर थ्रिल मूवी को IMDb पे मिलते हैं 5.9 आउट ऑफ 10। नौवें नंबर पर आती है 2021 में आने वाली मूवी ब्लड रेड स्काई, जिसे डायरेक्ट किया है पीटर थॉवर्ड ने। मूवी में हमें एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई गई है जहाँ वो अपना ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क जा रही होती है, पर जिस फ्लाइट पर वो जा रही होती है वहाँ कुछ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट उस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। मूवी में हमें थ्रिल एलिमेंट्स के साथ साथ ब्रुटैलिटी भी दिखाई गई है और इस एक्शन थ्रिल मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.1 आउट ऑफ 10। आठवें नंबर पर आती है 2020 में आने वाली मूवी अलाइव, जिसे डायरेक्ट किया है चौ ने। मूवी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से जहां एक लड़का वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद उसे न्यूज से ये पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसके बाद वो लड़का उस अपार्टमेंट में फंसा रह जाता है, जहां वो इन ज़ॉम्बी से खुद को कैसे बचाता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। इस थ्रिल ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.3 आउट ऑफ 10। सातवें नंबर पर आती है 2019 में आने वाली मूवी लिटिल मॉन्स्टर, जिसे डायरेक्ट किया है ए फोरसाइथ ने। मूवी में हमें एक किंडरगार्टन टीचर कैरोलिन जो कि कुछ बच्चों को जू में लेके जाती है, जहां ट्रिप के दौरान वहां ज़ॉम्बी आ जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जहां कैरोलिन को क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा, जहां मूवी में हमें ब्रूटैलिटी के साथ साथ लाइट ह्यूमर भी दिखाया गया है। और इस कॉमेडी थ्रिल मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.3 आउट ऑफ 10। छठे नंबर पर आती है 2017 में आने वाली मूवी मेयम, जिसे डायरेक्ट किया है जो लिंच ने। मूवी में हमें एक वायरस जिसका नाम रेड वायरस है को दिखाया गया है, जहां जिन पर्सन को भी ये वायरस इन्फेक्ट करता है उनकी एक आंख रेड हो जाती है और वो पर्सन काफी अग्रेसिव और क्रूल बन जाता है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी यूनिक स्टोरी का और कमाल का एक्शन, जो कि इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस एक्शन थ्रिल मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.4 आउट ऑफ 10। पांचवें नंबर पर आती है 2016 में आने वाली मूवी द गर्ल्स विद ऑल द गिफ्ट्स, जिसे डायरेक्ट किया है कॉल्फ मैकेल्फी ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो कहानी शुरू होती है एक बेस कैंप से, जहां ऐसे बच्चों को प्रिजन में रखा गया है जो हाफ ज़ॉम्बी है, जहां हेलन नाम की लड़की उन बच्चों को पढ़ाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस बेस कैंप में उन बच्चों पर टेस्ट किया जाता है ताकि वो इस ज़ॉम्बी वायरस से फ्री हो सके, जो कि पूरे देश में फैल चुका है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी स्टोरी, जहां इस सर्वाइवल ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.6 आउट ऑफ 10। चौथे नंबर पर आती है 2002 में आने वाली मूवी 28 डेज लेटर, जिसे डायरेक्ट किया है डैनी बॉयले ने। मूवी शुरू होती है जब कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल राइट एक्टिविटीज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में चिंपैंजीज को फ्री करते हैं, जहां उन चिंपैंजीज में एक तरीके का वायरस रहता है जिसके कारण वो काफी ज्यादा एग्रेसिव और रेज मोड में रहते हैं, और वो केज खुलते ही सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जहां 28 दिन बाद हमें पता चलता है कि ये वायरस इंसानों में भी फैल चुका है। मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी स्टोरी और एक्शन, जो इस मूवी को मस्ट वॉच बना देती है। और इस सर्वाइवल थ्रिल मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10। तीसरे नंबर पर आती है 2007 में आने वाली मूवी 28 वीक्स लेटर, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन कार्लोस ने। मूवी सीक्वल है 28 डेज लेटर का, जहां रेज वायरस जो कि चिंपैंजी से फैला हुआ होता है अब उसने और भी देशों को इन्फेक्ट कर दिया है, जहां मूवी में हमें दो लोग जॉन और स्कारलेट जहां वो किस तरह खुद को बचा रहे हैं वो मूवी में दिखाया गया है, जहां वो
अपने बच्चों को याद करते हैं क्योंकि उनके बच्चे फ्रांस में स्टडीज के लिए गए होते हैं। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी स्टोरी, एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस, जहां इस सर्वाइवल साइफाई ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.9 out of 10। दूसरे नंबर पर आती है 2013 में आने वाली मूवी वर्ल्ड वॉर जी, जिसे डायरेक्ट किया है मार्क फॉस्टर ने। मूवी में हमें गैरी, जो कि एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर होता है, वो अपनी फैमिली के साथ दूसरे सिटी जा रहा होता है, पर वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, जिसके बाद बहुत से ज़ॉम्बीज आकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जहां गैरी अपनी फैमिली को लेकर एक अपार्टमेंट में चला जाता है, CIA ऑफिसर होने की वजह से उसका एक फ्रेंड उसे और उसकी फैमिली को रेस्क्यू कर लेता है। उसके बाद गैरी को इस वायरस की इन्वेस्टिगेशन के लिए साइन कर लिया जाता है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी सिनेमाटोग्राफी, बिग स्केल प्रोडक्शन, जहां इस हॉरर एक्शन मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7 out of 10। पहले नंबर पर आती है 2016 में आने वाली मूवी ट्रेन टू बुसान, जिसे डायरेक्ट किया है योंग शंग हो ने। मूवी में एक फंड मैनेजर जिसका नाम सुगवू होता है, जो कि एक वर्कहोलिक पर्सन होता है, जिसके कारण वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को समय नहीं दे पाता, जिसके कारण उसकी वाइफ और वो साथ नहीं रहते थे। जहां मूवी में सोगू और उसकी बेटी ट्रेन से बुसान अपनी माँ के यहाँ जा रहे होते हैं, पर ट्रेन में एक इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, जिसके बाद क्या क्या चैलेंजेस सोगू को फेस करने पड़ते हैं वो आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी स्टोरी, एक्टिंग, जो कि आपका इंटरेस्ट मूवी में बनाए रखती है, और इस हॉरर थ्रिल मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.6 out of 10। तो ये थे हमारे टॉप 10 ज़ॉम्बी मूवी की लिस्ट। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें अपनी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवीज बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज ऑल अबाउट मूवीज। वॉच बेस्ट एंड डू बेस्ट।